वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़। बेसिकली मैटर के पांच टाइप्स होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा हमारा प्लाज्मा होता है और एक होता है BEC। BEC का पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। ये हमारे जो JC बोस थे और आइंस्टीन, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी को किया था, तो वो भी मैटर के अंदर शामिल है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को, जो कि घंटी है साइड में, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारी आगे वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसी किस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ हमारी ये मास, ठीक है, ये हमारा सॉलिड रहेगा। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं इधर, ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये गैस की हैं। तो देखिए, मास सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सॉलिड का जो मास होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। कोई भी सॉलिड है, जैसे मान लो आपकी चेयर है, ठीक है, तो उसका जो मास रहेगा वो डेफिनेट रहेगा, वो पक्का रहेगा। लिक्विड का भी जो मास होता है वो, ठीक है, डेफिनेट रहता है, और गैस का भी जो मास होता है वो डेफिनेट है। यानी तीनों के अंदर ये चीज़ कॉमन है, उनका जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, डेफिनेट ही रहेगा। अब बात करते हैं उनकी शेप की। तो जो सॉलिड है उसकी जो शेप है वो डेफिनेट रहेगी, ठीक है। अगर वो मान लीजिए आपका राउंड है तो राउंड ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका वो, जैसे कि आप देखें ग्लास है, तो ग्लास क्या सॉलिड है, उसकी जो शेप रहेगी वही रहेगी। चेयर है, उसकी शेप वही रहेगी, ठीक है। बोर्ड है, ठीक है, दीवार है, तो इनकी जो शेप रहती है वो डेफिनेट रहती है। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो जो लिक्विड होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं शेप। कौन सी शेप? आप जिस भी कंटेनर के अंदर उनको रखेंगे वही शेप वो एक्वायर कर लेंगे। सपोज हम पानी को बोतल के अंदर डालते हैं, तो क्या करेगा वो, उस बोतल की शेप ले लेगा वो लिक्विड, ठीक है। हम किसी गिलास में उसको डालते हैं तो उस गिलास की शेप ले लेगा, ठीक है। यानी जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में उस लिक्विड को डाला जाएगा वो उसी की शेप ले लेगा, यानी इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है। सेम चीज़ गैस के अंदर आती है कि आप जिस भी कंटेनर के अंदर उसको रखेंगे गैस को, वही शेप उसकी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बड़ा सिलेंडर लेंगे तो उसके शेप ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा स्पेस घेरेंगे। फिर अब बात करते हैं वॉल्यूम की, कि वो जगह कैसे घेरते हैं, ठीक है। तो सॉलिड की जो है वो वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, ठीक है। चाहे आप मेज़ लगा लें, कुर्सी लगा लें, बेड लगा लें, ठीक है, कुछ भी है, या ईंट लगा लें, तो वो उतना ही जो है अपना वॉल्यूम लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड का भी जो वॉल्यूम रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं गैसेस की। इसका जो वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनेट होता है, वो पक्का नहीं होता है। नेक्स्ट आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम क्या उनको प्रेस कर सकते हैं, क्या हम उनको दबा सकते हैं। तो देखिए, सॉलिड को कंप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमने दीवार को प्रेस करना है, इसको थोड़ा और अंदर की तरफ करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉलिड है, ठीक है। चेयर है, हम उसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। स्टोन है, हम उसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, तो पॉसिबल नहीं है। लिक्विड के अंदर हम बात कर सकते हैं कि ना के बराबर है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। जैसे कि बैलून के अंदर हम गैस डाल देंगे तो हम उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। अब बात करते हैं फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब होता है कि वो फ्लो कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी ईंट है, कोई चेयर है, टेबल है, ठीक है, कुछ भी है, जो भी सॉलिड चीज़ें होंगी, चाहे आपका लॉक है, ठीक है, लॉक मीन्स ताला, तो वो अपने आप से फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं। गैसेस ये काफ़ी अच्छे से फ्लो कर सकती हैं, ठीक है। गैसेस जैसे स्मेल है, ठीक है, या आपके घर में जो गैस सिलेंडर है, आप देखिएगा जैसे आप उसको ओपन करते हैं तो
तो वो इन्वायरमेंट में फ्लो कर जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी का मतलब होता है कि वो सॉलिड कितना है। तो जो सॉलिड होंगे तो वो हाईली सॉलिड हैं, ठीक है, तो हाईली वो रिजिड कहलाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हैं, क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। लिक्विड की बात करें तो लेस रिजिड है, लेकिन गैसेस हैं वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती, सॉलिड नहीं होती है। अब बात करते हैं डिफ्यूज़न। देखिए, डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि किसी दूसरी चीज़ के अंदर मिल जाना, ठीक है, जैसे गैसेस का एक दूसरे के अंदर मिल जाना, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं वो काफ़ी स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस, ठीक है। लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आप लिक्विड लगा लीजिएगा, पानी है, ठीक है, आप पानी में कोई भी चीज़ डालेंगे, जैसे आपने लेमन जूस डाल दिया, ठीक है, या फिर सॉल्ट डाल दिया, तो एक दूसरे में डिफ्यूज़ बहुत जल्दी हो जाएंगे, हम फिर पता नहीं लगा पाएंगे कि जो हमने डाला है, सॉल्ट डाला है, लेमन जूस डाला है, वो किधर है, क्योंकि वो सारे पानी के अंदर वो मिक्स हो जाता है। गैसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जैसे गैस इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होती है किसी भी कंटेनर से, तो फिर वो वापसी हम उसको नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेस जो इनके बीच में होता है। तो सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं होता, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड ये सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़े से लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, तभी ये मूव कर सकते हैं। और जो गैसेस होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरपार्टिकल फोर्स, आप इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं, कि जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है वो किस प्रकार का है। तो सॉलिड के अंदर होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, और लिक्विड के अंदर होता है सॉलिड से थोड़ा सा कम, यानी स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड्स, लेकिन गैसेस के अंदर किसी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये थी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैटर के दो टाइप्स और हैं, जो कि आपका प्लाज्मा है और एक BEC, जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, ठीक है, कंडेंसेट। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।